नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो की जानकारी खास तौर पर आपके बच्चों के लिए है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सात ऐसे हेल्दी फूड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिनको अपने बच्चों को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए, जिससे कि वह स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और किसी भी प्रकार की बीमारियाँ उन्हें अपनी ओर ना घेर पाएँ। तो दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बच्चों को खाने में सही प्रकार से पोषण का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बचपन के दिनों में बच्चे सही पोषण से वंचित रहेंगे तो उन्हें बड़े होने पर भी पूरी ज़िंदगी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि बचपन के दिनों में बच्चों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों का सही तरह से विकास हो सके। आप यह समझते हैं कि दूध का गिलास पिलाकर या फिर दाल चावल खिलाकर या फिर पराठा खिलाकर आप अपने बच्चों को स्वस्थ बना देंगे, लेकिन ये आपकी सोच है तो ये आपकी गलत सोच है। दोस्तों, जी हाँ, बच्चों को कुछ विशेष प्रकार के आहार खिलाने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको ऐसे कौन कौन से ज़रूरी आहार होते हैं आपके बच्चों के लिए, जिनको खिलाने से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और उनका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से हेल्दी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है पालक। जी हाँ, कई बार बच्चों को पालक खिलाना बिल्कुल भी पालक खाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पालक एक सुपर फूड है। इसमें ढेर सारा विटामिन ए और सी के अलावा फोलिक एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यह कैंसर को रोकने में सहायक होता है। पालक खाने से खून में भी बढ़ोतरी होती है, या आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। मसूड़ों और हड्डियों को भी मजबूत बनाने में पालक सहायता करता है। पालक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके कई तरह के पकवान बना सकते हैं। आप इसे पिज्जा में मिलाकर बच्चों को खिला सकते हैं, आटे में गूंथ कर या मिलाकर इसका पराठा बनाकर या फिर रोटी बनाकर इसको खिला सकते हैं, दाल में डालकर आप पालक वाली दाल बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं, सब्जियों के साथ मिक्स करके भी बच्चों को खिला सकते हैं, और पालक के पकौड़े भी बच्चों को अच्छे लगेंगे, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई पालक। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है मछली। जी हाँ दोस्तों, मछली हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी खाद्य पदार्थ होती है। गर्भवती महिला हो या बूढ़ा, नवयुवक हो या फिर बच्चा, किसी को भी मछली का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और आयोडीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें दिमागी विकास के लिए जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन ए, ई और डी का भी एक अच्छा सोर्स होती है। आप अपने बच्चों को मछली के पकोड़े, फिश फिंगर या चिप्स खिला सकते हैं। वैसे मछली की सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाने से भी बच्चे इसे बड़ी चाव के साथ खाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे को मछली में से कांटा निकालना जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चों को मछली खिलाने से उनका दिमाग तेज़ होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगले नंबर पर आते हैं स्प्राउट्स। जी हाँ दोस्तों, अंकुरित चना, मूंग या फिर सोयाबीन पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, यह आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इसमें सभी विटामिन होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और के इसमें पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। अंकुरित अनाज में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है, पाचन में मदद करता है। कई जरूरी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। आयरन भरपूर मात्रा में होने की वजह से यह बच्चों में खून की कमी को भी दूर करेगा, एनीमिया जैसी बीमारी से बचाएगा और इसके सेवन से बाल और नाखून भी मजबूत होंगे। तो दोस्तों, स्प्राउट खाने से टेंशन भी रिलीज होगी और बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में यह रखेगा। अगले नंबर पर आता है बैंगन। दोस्तों, बैंगन को हम बेकार की चीज़ समझते हैं, लेकिन बैंगन बेगुण नहीं होता है। बैंगन विटामिन B6 का अच्छा सोर्स होता है। मात्र 75 ग्राम बैंगन खाने से हमारे दिन भर की जरूरी विटामिन B6 की पूर्ति हो जाती है। आप बच्चों को बैंगन का भरता या इसको रोस्ट करके इसका डीप भी बनाकर खिला सकते हैं। अगली चीज़ आती है ब्रोकली। दोस्तों, बच्चों को ब्रोकली खाना बिल्कुल भी नहीं पाता है, लेकिन ब्रोकली से विटामिन K की प्राप्ति होती है, जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन A और C भी होता है।
आप इसे आलू के साथ मिक्स करके इसका सूप बनाकर दे सकते हैं। इसका स्वाद जरूर ही आपके बच्चों को पसंद आएगा। इसके अलावा ब्रोकली का इस्तेमाल आप दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। अगले नंबर पर आता है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसमें एनर्जी देने वाले सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, लेकिन इससे वजन नहीं बढ़ता है। मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम के साथ साथ इसमें प्रोटीन, विटामिन ए और सी भी होता है। दोस्तों कई रिसर्च से यह साबित हुआ है कि नियमित रूप से चुकंदर खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। आप बच्चों को सलाद में मिलाकर चुकंदर को खिला सकती है। इसका सूप और जूस बनाकर भी बच्चों को पिला सकती है। यह खून को बनाने में मदद करता है। और लास्ट नंबर पर आती है शिमला मिर्च। दोस्तों हरे, लाल और पीले रंग में पाई जाने वाली शिमला मिर्च भी बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए। यह रंग बिरंगी सब्जी विटामिन सी से भरपूर होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिमला मिर्च में नींबू और संतरे के मुकाबले कई ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में होते हैं। आप इसे चावल के साथ मिक्स करके भी खिला सकती हैं। नूडल्स और पास्ता में भी ज़रूर मिलाकर इसे खिला सकती हैं। चिकन के साथ मिक्स करके भी इसे खिला सकती हैं। तो दोस्तों ये थे वो 7 फूड जिनको अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगी तो उनकी सेहत मतलब निरंतर रूप से हेल्दी रहेगी और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।